तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि सैमसंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने एप सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है, जिससे स्मार्टफोन का नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी F15। और अभी फाइनली मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो सैमसंग ने रिवील कर दिया है, और इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है, क्या डिटेल होने वाली है, और स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना। सैमसंग गैलेक्सी F15 जो स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो गया है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, स्मार्टफोन वाले सेक्शन में आप जाकर के चेक करेंगे, तो वहां पर अपकमिंग स्मार्टफोन वाली लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी F15 जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लिस्टेड है। और कहा जा रहा था कि 22 यानी आज ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो सकता है 22 फरवरी को, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था, लेकिन आज ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च नहीं हुआ, और आज फाइनली इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो रिवील हो गई है। सैमसंग गैलेक्सी F15 5G जो स्मार्टफोन है वो 4 मार्च को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है 2:12 PM। 4 मार्च को ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, और ये चीजें सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है फ्लिपकार्ट पे। यहां पर फ्लिपकार्ट पे इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग वगैरह है उसको भी सैमसंग ने रिवील कर दिया है। इसमें आपको कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के पीछे की साइड, और यहां पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे के साथ में जो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन को भी रिवील कर दिया है, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि इस बार ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग के खुद के एक्सिनोस प्रोसेसर पे लॉन्च नहीं होगा। इस बार ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर मीडियाटेक के प्रोसेसर पे लॉन्च होने वाला है, और ये चीज सैमसंग ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+, जो कि काफी ठीक ठाक प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, और यहाँ पर परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर के साथ में काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो सेम इसी प्रोसेसर पे ये जो स्मार्टफोन है इस बार इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये जो स्मार्टफोन है फ्रंट के साइड से वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में लॉन्च होने वाला है, तो कम से कम यार अभी ने पंचोल भी लेकर के आना चाहिए अपने एप सीरीज में भी। बाकी सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको अभी सैमसंग ने रिवील नहीं किया, जैसे ही रिवील करेगा मैं आपको बता दूंगा। साथ में सैमसंग ने यह भी कहा है कि हम इसमें 4th generation एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन में। तो मुझे लगता है कि ये सबसे लंबा टाइम है जो कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन में सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसमें 6000 mAh की बैटरी होगी, और यहां पर इनका कहना है कि हम 2 दिन का आपको बैटरी बैकअप दे रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने फ्लिपकार्ट पे ये भी रिवील कर दिया कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, और यहां पर इन्होंने कहा है कि ये स्मार्टफोन अपने सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ रही है। तो अब यार किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करने वाले हैं वो तो अभी देखना बाकी होगा। तो ये कुछ डिटेल है, बाकी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाकी दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 15,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा इंडिया में। अब यहाँ पर जिनका बजट 15,000 से नीचे का है उनको अगर सैमसंग का ही स्मार्टफोन पहले लेना था तो उनको प्रोसेसर अच्छा नहीं मिल रहा था, प्रोसेसर है तो डिस्प्ले नहीं है, लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे पर्सनली काफ़ी ठीक लग रहा है, और इसमें जो प्रोसेसर वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं परचेस करने के लिए। ये फिलहाल कुछ डिटेल है जो कि अभी तक कन्फर्म होकर के आई है। जैसे इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और डिटेल्स आती है मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों यह इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।